हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बी कॉम पार्ट टू के कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये 2019 में रिवाइज हुआ था और उसके बाद से जितने भी एग्जाम्स होने हैं वो सारे के सारे इसी सिलेबस के हिसाब से होने हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक और जानकारी ये देनी थी कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी पार्ट्स हैं उनके वीडियोस हम बहुत जल्द आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो परेशान मत होइएगा, बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। द क्वेश्चन पेपर शेल कंप्राइजेज ऑफ टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, दो सेक्शन में बटा है, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। ए शैल हैव कंपल्सरी क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी कैरिंग 10 मार्क्स ईच, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन शैल बी आस्क। तो इन्होंने कहा कि जो सेक्शन ए होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दोनों 10-10 नंबर के होंगे। सेक्शन ए कंपल्सरी नेचर का है, 20 नंबर का, और 80 मार्क्स आपको सेक्शन बी से मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक थ्योरी आ सकती है और एक प्रैक्टिकल तो पक्का आएगा 10 मार्क्स में, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि सेक्शन बी शैल ऑफर अ चॉइस ऑफ अटेम्प्टिंग एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस कैरिंग 20 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में क्या है कि देखिए, सेक्शन ए कंपलसरी नेचर का था, दो सवाल पूछे जाएंगे, दोनों आपको करने होंगे। सेक्शन बी में क्या है कि 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 मार्क्स ईच, ये हो गया 80, ठीक है। 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 शैल बी ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अच्छा, ये ज्यादातर चांसेस इसमें ये है कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आएंगे। हो सकता है कि एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि इसमें 6 क्वेश्चंस में ज्यादातर आपको प्रैक्टिकल ही आएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आइए देखते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद कि अब आपका एग्जाम का सिलेबस क्या है। इसका सबसे जो पहला पार्ट है वो उसमें हम नॉर्मली ये थियोरेटिकली ही आप देख सकते हैं, जिसमें बात कर रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, इंस्टॉलेशन ऑफ एन आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम, स्टेप्स इन इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम, डिफिकल्टीज इन इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो यूनिट है उसमें मटीरियल के बारे में, परचेज, सेंट्रलाइज परचेजिंग, डिसेंट्रलाइज परचेजिंग, परचेज प्रोसीजर। दूसरा है इसमें स्टोरेज ऑफ मटेरियल में, स्टोर्स डिपार्टमेंट, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन, बिन कार्ड, टू बिन कार्ड, स्टोर्स लेजर कार्ड, डिफरेंस बिटवीन स्टोर्स लेजर एंड बिन कार्ड, ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइलेज, वेस्टेज एंड स्क्रैप ऑफ मटेरियल। तीसरा है इशू ऑफ मटेरियल, जिसमें है रिक्विजिशन नोट, मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड, जिसमें कॉस्ट प्राइस मेथड्स, एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड्स एंड नोशनल प्राइस मेथड है। लास्ट वन इज कंट्रोल, जिसमें नीड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ईओक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग सिस्टम, ये दो यूनिट हुए। अगला है लेबर, जिसमें है टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग, जॉब कार्ड सिस्टम, टाइप्स ऑफ जॉब कार्ड्स, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर्स, वेरियस इंसेंटिव प्लान्स, ग्रुप बोनस स्कीम, अदर इंसेंटिव स्कीम्स, लेबर टर्नओवर, मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। अगला है ओवरहेड्स, जिसमें क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ अपोर्शनमेंट, मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट, अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, मेथड्स ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अगला है सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में, कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन अकाउंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बोला गया है तो इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आना ही आना है। अगला है कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस, के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है। अगला है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोला है तो इसका आपको प्रैक्टिकल ही तैयार करना है। अगला है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बोला गया है तो प्रैक्टिकल ही तैयार कीजिएगा इसका।
अगला है प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें सिंपल प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ वेयरहाउस, अबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल एफिशिएंसी, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स, ऑयल क्रशिंग, रिफाइनिंग एंड फिशिंग प्रोसेस, ट्रांसफर प्राइस, जिसमें इंटर प्रोसेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ओनली ट्रांसपोर्ट एंड होटल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही करिएगा क्लियर अच्छे से। अगला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस, मटीरियल एंड लेबर ओनली, जिसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही आपको तैयार करने हैं। अगला है और शायद आखिरी है बजटरी कंट्रोल, परफॉर्मेंस बजट बजटिंग एंड जीरो बेस बजटिंग। ये जीरो बेस बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग इंपॉर्टेंट है, जीरो बेस बजटिंग तो और इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सजेस्टेड रीडिंग्स के बारे में, कौन कौन सी किताब आप ले सकते हैं। लास्ट में हम बताएंगे कि कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए। पहला है अजय कुमार सिंगल सर, ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इनकी किताब है कॉस्ट अकाउंटिंग अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, पीपीबी इलाहाबाद। दूसरा है एस पी जैन एंड के एल नारंग सर की बुक, जो है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, कल्याणी पब्लिशर्स लुधियाना। तीसरा है जगदीश प्रकाश एंड देवेश प्रकाश, ये जगदीश प्रकाश सर भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पहले प्रोफेसर रह चुके हैं, इनकी किताब चलती है कॉस्ट अकाउंटिंग पीपीबी इलाहाबाद। चौथे हैं एम सी शुक्ला, टी एस गरेवाल, एम पी गुप्ता की कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्स्ट एंड प्रॉब्लम्स, एस चांद एंड कंपनी न्यू दिल्ली। अगला है सिंह आर के एंड शिव शंकर शुक्ला, ठीक है, और ये किताब महल पब्लिकेशन इलाहाबाद, हिंदी मीडियम के लिए ये अच्छी बुक है। अगला है ए के गर्ग की कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एनालिटिकल स्टडी, स्वाति प्रकाशन, मेरठ। लास्ट वन इज आर के सिंह सर, एस एस शुक्ला कॉस्ट अकाउंटिंग, शिखा पब्लिशर्स इलाहाबाद। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप आर के सिंह सर की बुक आप पब्लिश मतलब पब्लिशर्स की आप मतलब परचेज कीजिएगा, और अगर आप हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आप आर के सिंह सर की ही बुक लीजिएगा, और ये एस एस शुक्ला, ठीक है, जो शिखा पब्लिशर्स की बुक है, ये बेस्ट किताब है, क्योंकि आर के सिंह सर अभी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और आर के सिंह सर पढ़ाते भी हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं ये सब्जेक्ट उनकी किताब अगर आप ले लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन्हीं की बुक से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिले, ठीक है, और कई बार इनके बुक से जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हुए हैं। आई होप एंड बिलीव कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको क्या प्रिपेयर करना है, और सारे सब्जेक्ट्स के हम ऐसे ही आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कराएंगे, और बहुत जल्दी जैसे लास्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने क्लासेस शुरू की थी, इस बार तो अभी से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे,